यो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग? और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना आरिश खान। तो भाई लोग कर दिए सबसे पहले वीडियो को लाइक, कर दी चैनल को सब्सक्राइब यार अगर अपने तक नहीं किया तो। और आज के इस वीडियो में यार ये देखो, ये चाइना के अंदर चलती क्या है आप इसको, या रशियन भाषा है कोई, ये जो बस है ना दोस्तों इंडिया में बहुत कम देखने के लिए मिलती है, जो डबल डेक वाली बस होती है, मतलब एक पीछे ट्रेनर टाइप का होता है, इस तरीके से जुड़ी हुई होती है बस एक दूसरे से, देख रहे हो किस तरीके से जुड़ी हुई है, इस तरीके से जुड़ी हुई होती है, पीछे भी लोग बैठ सकते हैं। और इस बस को काफ़ी कामयाब बताया जाता है, इतनी लंबी बस होती है, मतलब इस बस के अंदर बहुत ज़्यादा जने जो है बैठ जाते हैं, और मज़ा भी आता है यार दोस्तों बैठकर। बहुत बड़ी सी बस है, हम इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते, बहुत ऊंची है, इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, बस बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो चलिए इसमें बैठते हैं यार और देखते हैं यार इस बस का मतलब सारा हिसाब किताब किस तरीका है। यह है बस का हिसाब किताब, यह है इसके इंटीरियर का हिसाब किताब। चलो वैसे सही है बस, चल देखते हैं यार क्या है माउंट चिल्ड्रन पर, कितना कहाँ तक जा पाती है, इसका रेडिएशन कहाँ तक होता है। खैर जो इस टाइप की बस होती है तो ज़्यादा भगाया भी नहीं सकते, क्योंकि बीच में तो जोड़ है ना, जो एक बस को दूसरी बस से जोड़ता है, इस जोड़ में कोई दिक्कत भी आ सकती है, इसलिए ब्रेकिंग तो बहुत ही घटिया है इस बस की, बस मैंने वहाँ दबा दी थे ब्रेक, यहाँ के लगे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा लोग प्रीफर नहीं करते हैं। और ये बीच का हिस्सा तो इसका ऐसे हिलाव चल रहा है मच्छी की, बस क्या बताओ आपको। इतने लंबे लंबे इसको ओवरटेक लेने पड़ते हैं बस को, बस दोस्तों पूछो ही मत, पूछो ही मत। खैर मज़ा तो आ रहा है यार दोस्तों चलाने में, पहली बार मैं इतनी बड़ी भी चीज़ में चला रहा हूँ यार, तो मज़ा तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। चलो भैया हट जाओ, इतनी बड़ी बस को चलाना दोस्तों मामूली खेल नहीं है। और अब इसको वहाँ ऊपर लेकर जाना माउंट चिल्ड्रन पर, ओह माय गॉड, हमारी बस का पिछवाड़ा लग गया नहीं था, इतनी बड़ी बस का हमारी पिछवाड़ा लग गया पीछे, ओह माय गॉड। भैया मैं तो तुम्हें पहले बोला था कि संभल कर चलो, अब तुम ही बंदे संभल कर नहीं चलोगे तो कौन संभल कर चलेगा। चलो फर्स्ट पड़ाव आता हुआ बस के साथ, अब ये देखना है कि ट्रेलर को इसके साथ जो बस का पूरा हिस्से इसको पूरे लेकर जा भी पाती है पर या नहीं। इसी बातें चढ़ेगी, बट डैमेज होने के बहुत खतरा रहेगा दोस्तों, सच बता रहा हूँ डैमेज होने का बड़ा खतरा रहेगा, क्योंकि इस बस को सिटी पर्पस के लिए बनाया गया है, ये इस पर्पस के लिए नहीं है बस। देख रहा हूँ मोड़ भी कितने खतरनाक हैं, बैक वाला पोर्शन तो लगेगा ही, और एसी का वो बंद हो चुका है वेंटिलेटर। खैर अगर इतनी लंबी बस है तो हमें दूसरे रोड से लेकर जानी पड़ेगी इसको, यार ये बस है ना लगने के चांसेस इनमें क्यों रहते हैं यार। देख रहे हो कैसे चल रही है,
कुछ ज़्यादा ही मतलब वो पावर टाइप की लगानी पड़ रही है, आरपीएम इतना खींच रही है बस, पहले से ही वीसी इंजन है ना, इतना पावरफुल नहीं लग रहा मेरे को। अभी देखते हैं क्या होता है। नहीं पाई जट्टा काली, ये तो हौली हौली कर दे मनाली। देखो इंटीरियर में से अंदर में चलने में कैसा लग रहा है। शीशा फूट गए पीछे वाले के, शीशे फूट गए। देखो ओ माय गॉड, ये होगा अगर आप ज़्यादा वो करोगे ना तो ये बसों के साथ ना, ये यहाँ पर खड़े होने का जो पोर्शन है ना, ये हिल सकता है। अरे यार अभी जुड़ भी नहीं रहा ट्रेलर, बात अभी यही होगी ना। देखो अब इस ट्रेलर को उठाकर मुझे रखना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे जुड़ता है। जुड़ गया। अब मुझे इस बस को ना पूरी ही उठा के जिम रखनी पड़ेगी। हाँ क्योंकि दोस्तों बहुत बार रखनी पड़ सकती है ना, रखनी तो पड़ेगी बस को, वरना विदाउट रखने के बिना तो मैं लेकर भी जा पाऊँगा इस बस को इतनी पर। ओह माय गॉड, कुछ ज़्यादा ही मतलब वेंटिलेटेड टाइप की नहीं हो रही है बस। ओके अब मैं दोबारा से फिक्स करता हूँ दोस्तों। ओ प्लेन देखो कहाँ उड़ रहा है, ओ माय गॉड इतनी नीचे उड़ाकर ले जा रहा है वो प्लेन बंदा, उधर प्लेन जा रहा है देखो बहुत नीचे उड़ रहा है। दोस्तों मैं बताऊँ तुम्हें ये बस है ना गिरती है ना सबसे पहले इसका ट्रेलर निकलेगा वाला, और वो तो हो जाएगा गायब। और बस यार है भी नहीं इतनी ज़्यादा, कहीं ले जाने की लायक नहीं है। देख लो कितनी जल्दी फट गई। यही तो होता है दोस्तों इन सब चीज़ों के अंदर फैक्ट्स। ये बस तो मुझे पता था पहले इतनी ऊपर ना जाती है, पर एक मान्यता नाम की चीज़ होती है ना। फिक्स करता हूँ ओह माय गॉड, ओह माय गॉड
पर फिर भी दोस्तों जैसा मर्जी हो, ये बस इस जगह के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी है। और ये एक मिनट में लगने वाली बस है, कहीं पर भी आप इसको लेकर जा रहे हो। बिल्कुल ही देख रहे हो क्या हिसाब किताब है इसका। ऊपर से हलवा से गिरेगी ना, फट जाएगी, देखो फटेगी। ओह माय गॉड।